नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है आज के मुख्य समाचार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया लोगों से धोखा, कहा उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने। पाइटेक्स हिंदुस्तान पाकिस्तान ट्रेड मेला दोनों देशों की सीमावर्ती इलाकों के लिए बेहतर, कहा मदन मोहन मित्तल ने। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी हुए सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक। अब खबरें विस्तार से। पंजाब के उप मुख्यमंत्री और श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल आज अपनी पत्नी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के साथ सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में शीश निवाने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब परिसर स्थित गुरुद्वारा साहिब में रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहिब के भोग में हिस्सा लिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लोगों से धोखा किया है, वे उस पर पूरे नहीं उतरे और उन्होंने अपने मंत्रियों को दुगनी तनख्वाह देकर साबित कर दिया है कि वो लोगों से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। सफलता का मतलब है लोकी अमन शांति पीस चाहते हैं, भाईचारे सांझ चाहते हैं, जेडे टेररिज्म फैलाना चाहते हैं, पंजाब की अमन शांति जी ताकत भंग करना चाहती हैं, उन्होंने क्लीयर मैसेज है पंजाब की जनता तरफों कि साढ़े स्टेट में इंटरफेयर ना कर। सी ऑपोजिशन का उन्होंने पूछना चाहना फिर जरा 14 तरीक न वो किन्ने पैसे खर्चे कट कर दे 15 तरीक न कैप्टन साहब जे सतारा करे साड़ी भी सतारा वो साढ़े एरिए चाहे असं उन्होंने एरिए गए। आम आदमी पार्टी की असलियत सामने आ गई। आम आदमी पार्टी देश की लुटेरिया की पार्टी है। जो कुछ किया सी जिस सुचे मूँह ना दिखाया सी अपने आप नू जिस ना रखिया सी आम आदमी का वो तो सब तो उल्ट चीज़ा कीतियाँ। सब तो पहले 4 गुना सैलरीज अपने MLA ने वधाती हैं। हिंदुस्तान सब तो ज़्यादा सैलरीज करती हैं तनखा आ कोई आम आदमी का काम उत्थे कहिंदे सी जदों अन्ना हजारे जी तो सारे उदो पॉलिटिशियन घोला पाते कि इन्नी सैलरी इन्हें मुफ्त करना चाहिए है। आन सारे इन्होंने 4 गुना करते 60 में 57 MLA इन्हों पार्टी के सारियां ही चेयरमैन बनाता, सारियां ही चीफ पार्लियामेंटरी सैकटरी बनाता, कोर्ट देती दफ्तर देते हिस्ट्री नहीं होना 67 आउट ऑफ 67 सारे बनाता, सारिआं दे उत्ते लाल लाइटां लवा दियां जिहड़ा कहिंदे सी। ते तुसीं देखो जिन्ने टैक्स उन्हां ने वधा दित्ते है, जिन्नी लुटको चल रही है, कहिंदे सी असीं बड़े सीधे साधे जनता दे कैंडिडेट देवांगे, किस ते रेप दा केस है, किस ते मोलेस्टेशन दा केस है, किस ते अपना कब्जे करन दा केस है, आ कोई लोकपाल बारे कहिंदे कुछ सी कीता कुछ है। सो दैट मीन आ एक फ्रॉडां दी पार्टी है। और लोकपाल जिहड़े उन्होंने चेयरमैन बनाए कि नहीं, लाल लाइटा गड्डिया उत्ते देख लो लाल लाइटा लगी उन्होंने कि नहीं। सो असी फैक्चुअल गल कर रहे हैं। आ एक पार्टी है जिन्होंने आम आदमी का नाम मिसयूज करके पार्टी बनाई है। सेंटीमेंट्स की है बेअदबी दे दोषी क्योंकि CBI नू चली गई इंक्वायरी, पंजाब पुलिस हुण उहदे इंटरफेयर नहीं कर सकती, उन्हां दी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वेरी शॉर्टली यू विल सी रिजल्ट्स। इहदा मतलब कि पंजाब बचाओ आम आदमी नू बचाओ है, बेईमान तो आम आदमी वाले है ना। आम आदमी पार्टी बेईमान की पार्टी है। थोड़े सामने है उन्हों का पहला एग्जाम्पल, सैंपल गवर्नमेंट उन्होंने दिल्ली दिती है तो सैंपल गवर्नमेंट का नज़ारा दिल्ली ने देख लिया। एक्चुअली कैप्टन साहब आए बसा आए हैं, उन्होंने पता ही लग्या एक्चुअली की प्रॉब्लम की है ना। मैं कैप्टन साहब रेंदे दुबई अमेरिका लंडन, वो पहली बार वो सोचते कि दुबई वर्गा पंजाब, उनका 5 साल होर लायो बाहर तो दुबई वर्गा बन जूगा। छोटे पर कौन है आम आदमी पार्टी दे पंजाब प्रधान उन कुछ उन्होंने की वरत रहे हैं कि उन्होंने कोई दे भी रहा है छोटे पर कुछ। इज ही द फेस ऑफ आम आदमी पार्टी पंजाब। पहले मैंने उन्होंने एग्जाम्पल, वी आर पुटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन द होली सिटी एंड अदर शहरों में। मैं अज सारे शहर मॉनिटर कर लगे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट अलॉट हो गया। हुण असी ऑटोमैटिक क्लीनिंग दा वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ रोड्स दा प्रोजेक्ट 7 तरीक नूं असी 8 इस हफ्ते इस महीने कर देंगे। वी विल जिहड़ा अपना बल लग्या सी अमृतसर दा कि डर्टीएस्ट प्लेस, वी विल गिव मी 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स यू विल सी मेक दिस द क्लीनेस्ट प्लेस इन द कंट्री।
इंफ्रास्ट्रक्चर से वी आर स्पेंडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। मैं सारे रिव्यू मंथली कर रहे हैं। मैं इन्ना अमृतसर वासियों को ऐसे कौम दसना चाहना जी अपनी गुरु की नगरी है, एक साल बाद तुसी जे आओगे तुसी बहुत वड्डा फर्क इस पवित्र जगह पर देखोगे। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गुरु नगरी अमृतसर में पायटेक्स 2015 का आयोजन किया गया, जिसमें कि देश विदेश से आए लोगों ने अपने व्यापारिक स्टॉल लगाए। पंजाब सरकार द्वारा लगाए गए इस ट्रेड एक्सपो में भारत और पाकिस्तान के साथ 9 देशों ने हिस्सा लिया। वहीं इस ट्रेड एक्सपो के दूसरे दिन पंजाब के उद्योग मंत्री मदन मोहन मित्तल ने इसमें शिरकत की। इस दौरान उन्होंने एक विशेष मीटिंग भारत और पाकिस्तान के व्यापारियों से की। पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि ज्वाइंट ट्रेड एक्सपो द्वारा दोनों देशों को फायदा मिल रहा है। पहले इसका मुनाफा बहुत कम था और आज ये आंकड़ा बढ़ गया है। देखो जेड़ा पाइटेक्स ने एफर्ट की है और इस साल दो बार लगभग इन्होंने ये एफर्ट्स होंगी है, ये बड़ी शलाघा योग है। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान पंजाब दोनों दे, हिंदुस्तान का पंजाबी बॉर्डर से है, पाकिस्तान का पंजाबी बॉर्डर से, और दोनों का कट्ठे इस तरह का अपनी जो उन्होंने लर्निंग्स जो उन्होंने प्रोग्रेस जो उन्होंने डिवेलपमेंट और जो टेक्नोलॉजी की नॉलेज आपस इस तरह का फेल लगा के शेयर की जाती है, ये दोनों मुल्कों एक बहुत बड़ी तरक्की की क्रांति आती है। और एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है, ये जितने तक ट्रेडर्स का ताल्लुक है या मैनुफैक्चर का ताल्लुक है, दे आर ऑल फ्रेंडली, दे वॉन्ट टू लिव एज फ्रेंड्स। वो कट्ठे होकर काम करना चाहते हैं, मिलवर्तन नाल काम करना चाहते हैं। कुछ ऐसिया कंपल्शन हैं जिदे नाल कई बार रिलेशन खराब होंगे, बट नो आई वेलकम कि जेडे हुण नवे हालात फिर पैदा हुए हैं जिदे नाल नवाज शरीफ जी ते मोदी जी दोनों की मुलाकात का इम्कान पैदा होया। वो ना मैं समझना कि आज जेडे दोने पासे पंजाब के लोग सी उन्होंने अंदर होर कशन बढ़े, और जो अज वर्ल्ड कंपीटिशन है उस कंपीटिशन सार कंट्री के लोग अगर मिलकर चलोंगे तो किसी तो घट नहीं, और हिंदुस्तान इस लीड दे रहा, लीड देने तैयार है, तो सारे मुल्क मिलकर चलते हैं तो असं दुनिया को नवी दिशा दे सकते हैं, शांति की दिशा दे सकते हैं, विकास की दिशा दे सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने की दिशा दे सकते हैं, बेरोजगारी दूर करने की दिशा दे सकते हैं, भुखमरी दूर करने की दिशा दे सकते हैं। सो दीज आर वेरी गुड स्टेप्स। कादियां के रेलवे रोड में एसटीपीसी के मेंबर गुरदयाल सिंह गोरा के गृह में बाबू प्यारा सिंह भाटिया की याद में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। इस प्रोग्राम में तकनीकी शिक्षा के चेयरमैन सरदार सेवा सिंह सेखवा, एमएलए सुचा सिंह लंघा, एडवोकेट जगरूप सिंह सेखवा, जिला प्रधान अशोक शर्मा, अकाली आगू हरमन आदि ने भारी संख्या में शिरकत की। इस दौरान भाई सतिंदर बीर सिंह जी हजूरी रागी और कथा सिंह भाई मान सिंह जी ग्रंथी श्री दरबार साहिब अमृतसर वालों ने गुरु का गुणगान कर संगत को निहाल किया। बहुत वधिया सेशन साहब ने मैंने मान बख्शे, गरीब परिवार का बच्चा सीगा, इन्नी चुका नहीं सके जिन्ना चुका उन्होंने मैंने समझिया, और मैं वध चढ़ के अपनी पार्टी की सेवा करांगा, पहला भी करता रहा, इस तो ज़्यादा हूँ दिल लगा के मैं करांगा। तो श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा नेम आ धर्म आ वो सिक्खी ना भी जाता जे, तो दूसरा असी सब भावना जिहड़ियां रैलियां कढ़ रही ने वह असी एक दूजे ना दरार नहीं पाउणा चाहुंदे, और 2017 दे विच सेखवां साहब दे इलैक्शन दे विच असी पूरा हदों वध के जोर लावांगे, मोढे ना मोढा रोड़ के चलांगे। तुसीं देख लिया वध के नुकरे लाता कैप्टन साहब ने, कहिण दी कोई लोड़ नहीं आ, सारे पंजाब नूं पता जी, ते हुण तां पानी किहड़े रोड़ दे विच खुट दे विच वड़ गया वा, कहिण दी कोई लोड़ नहीं आ, सारिआं तुहानूं वीरां नूं पत्रकारां नूं पता जी उहनां बारे किन्ना साडे लोकां च विचरदे आ। इह तां गाईं वाला वा पसम दी जरूर पर दुध नहीं दिंदी जी, उह दस्सिआ नहीं दित्ते उहनां ने, ना उहनां ने ना उहनां दी वाइफ ने, इह तां सानूं सारिआं नूं पता जी। उह तां की रहा तुरिआ फिरदा रहिंदा, उहनूं तां पता नहीं शहर दे पिंडां दा गलियां दा नहीं पता, शहर किहड़ी जगह कुछ किहड़ा कोई महला वा, पिंड की गली का नहीं पता, कोई शहर की मंडी के कोई कट हों उन्होंने पता नहीं, उन्होंने पता लगता कितने जाना की करना वा, कुछ नहीं समझ आएगी। वधिया योगदान रहेगा जी, चंगे सीटा से जिता, वधिया जित प्राप्त करा, चंगे काम किए जी, अभी वधिया जित प्राप्त करा। श्रोमणी अकाली दल जो बीसी वेंगिया ओदा कादियां सर्कल का प्रधान सरदार जोगा सिंह होना बनाया जाता, इन्हों इस खुशी के मौके पर मुबारकबाद दिना, तो इन तो यह आस भी करा कि सरदार जोगा सिंह उन्होंने सारे साथी जोड़े अजोहेदार बने ने वो श्रोमणी अकाली दल की चढ़ती कला वास्ते दिन रात एक करके काम करे, जिदे श्रोमणी अकाली दल
सर्कल कादियां विच बहुत वड्डी मजबूती मिली। समुचे पंजाबी जिहड़े आ उत्थे शामिल होए आ, जिहदे नाल एक गल साबित हो गई आ कि पंजाब दे लोक अमन ते शांति ते सद्भावना ते भाईचारक सांझ चाहुंदे ने। इह गल इस गल दी गवाही आ कि श्रोमणी अकाली दल नूं लोक पंजाब दे किन्ना प्यार करदे आ। जो डिवेलपमेंट पिछले 9 सालां च श्रोमणी अकाली दल दी सरकार ने कीती आ, उहनूं मुख रख के पंजाब दे लोक जिहड़े आ अज चट्टान वांग श्रोमणी अकाली दल दे नाल खड़े आ। उह जिन्नियां मर्जी कैप्टन रैलियां कर ले, इत्थे इहनां ने कई घोड़े बदल के वेखे। पहलां प्रताप सिंह बाजवे नूं इहनां ने प्रधान बनाया, और मेरा ख्याल आ कांग्रेस दे इतिहास विच जिन्ना नलायक प्रधान प्रताप सिंह बाजवा साबित होया, शायद पहला प्रधान इन्ना कोई नलायक साबित नहीं होया। हुण इह उह कैप्टन आ जिन्हों श्रोमणी अकाली दल ने दो वारी पहला लगातार हराया। 2007 विच भी पंजाब प्रदेश कांग्रेस का प्रधान अमरिंदर सिंह होनी सीगे, उस तो बाद 2012 विच भी कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह होनी सीगे, ते दोवें बार श्रोमणी अकाली दल ने कांग्रेस को हराया आ। ते हुण असीं 2017 विच इह हैट्रिक बनावांगे, ते उसे अपनी जिहड़ी जित दी लड़ी आ उन्हों अगे तोर। केजीएन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पायटेक्स 2015 मेले में शाम 6 बजे के बाद कल्चर प्रोग्राम हुनर ए पंजाब सोसाइटी संचालिका श्रीमती रेखा महाजन की अध्यक्षता में 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक करवाया जा रहा है। इसी संबंधी विशेष तौर पर रिलीज हुई कॉमेडी मूवी जज सिंह LLB की स्टारकास्ट टीम अपनी फिल्म की प्रमोशन करने के लिए सोसाइटी के निमंत्रण पर पहुंची, जिसमें सिंगर और एक्टर श्री रविंदर गरेवाल, BK शर्मा, एक्ट्रेस सुरभि महेंद्रू, सरदार सैही, अमन सैनी विशेष रूप में पहुंचे। इस मौके पर शहर की सारी NGOs और उनके नुमाइंदों ने शिरकत की। पायटेक्स के मेले के उत्ते असीं हर साल अपना स्टेज जिहड़ा है कल्चर प्रोग्राम के नाल शोभा वधांदे हां, और इस बार भी सानू मौका मिलिया है। और अज के दिहाड़े साडे कोलों जिहड़ी नवीं फिल्म अज ही रिलीज हो रही है जज सिंह LLB, उहदी पूरी टीम आ रही है। उहदे हीरो ते सिंगर जिहड़े ने रविंदर गरेवाल जी, हीरोइन सुरभि महेंद्रू, इस तो अलावा शैम्पी के डैडी जो BK शर्मा जी ने वो आ रहे हैं, चंद्र प्रभाकर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, और सरदार सोही जी, अमन सैनी जी, ये सारे ही अपनी टीम के नाल अज साडे विहड़े च साडे मंच के उत्ते आ रहे हैं अपनी नवी फिल्म जज सिंह LLB की प्रमोशन लई। 7 तरीक तक चलेगा, कल तो 3 तरीक तो शुरू होया है, 7 तरीक तक चलेगा, और ये वख वख पेशकारियां जिहड़ियां ने बच्चों वालों तो वे वे कलाकारों वालों कीतियां जाणगियां। और KGN वेलफेयर सोसाइटी ही है बिना कुछ ले दे किसी भी कलाकार तो इस तरह ही आर्ट नू कल्चर नू आर्टिस्ट नू प्रमोट करती है और करती रही। हाँ, जज सिंह LLB रिलीज़ हो गई है जी अज, और बड़े खुश हाँ पहले इस गल तो कि बहुत वधिया हुंगारा फिल्म नू मिल रहा, हर पासे तो बड़े अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। एक कला हुंगारा वधिया नहीं मिल रहा बल्कि लोग अच्छा बोल रहे हैं फिल्म के बारे, और सारिया जो दे च जिस तरह जो सोच के जो असी फिल्म बनाई सी वो मैसेज साडा लोगों तक पहुँच रहा, सो इस करके बहुत खुशी आ। और अमृतसर नू मैं बहुत पसंद करदा, और क्योंकि बड़ा जिंदा दिल लोगों का शहर आ, और टैलेंट इतने कुट कुट के भरया हुआ। साढ़े सुरभि महेंद्रू जी भी एक न्यू टैलेंट हूँ इतों का, एक इन्हों की डेब्यू हैगी आ, जज सिंह LLB है मेरे नाल ने इस शहर तो आडे, सो बहुत चंगा लग रहा। जज सिंह LLB साड़ी आम जिंदगी की स्टोरी आ, एक कॉमन मैन की स्टोरी आ, क्योंकि ये फिल्मी कुछ नहीं आ, बिल्कुल नैचुरल सिनेमा है और आम लोगों की कहानी। मैं लगता हर बंद इसे करके जज सिंह LLB बड़ा वड्डा हुंगारा भी अज मिलिया। काम करके जी बहुत वधिया लग्या, बिकॉज मैं इन्ने अच्छे सब तो पहला ह्यूमन्स दे नाल काम कर रही थी जिहड़े बाय हार्ट बहुत अच्छे ने, एक्टर्स तो अच्छे है ही है, रविंदर जी है सिंगर कम एक्टर, BN शर्मा जी है, सरदार सोही जी है, हरपाल शर्मा जी, चंदन प्रभाकर, होर भी साढ़े नाल काफ़ी है जिन्हां नाल मैनूं काम करके बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एक मेरी फर्स्ट मूवी सी, नाले एक्सपीरियंस एक्टर सीगे सारे, नाले अज वैसे ही अमृतसर च आए हैं जिहड़ा मेरा आपदा होम टाउन है। सो मूवी अज एक ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, तो बाकी सारे भी बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। सो मैं भी अमृतसर वालों ने रिक्वेस्ट करांगी, बिकॉज मैं तुहाडी अपने शहर दी हाँ, तो जिन्हां ने मूवी नहीं देखी है वो प्लीज़ देखन जाओ। अमृतसर के रणजीत एवेन्यू के ग्राउंड में PHT मेले में जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी अमृतसर का कैंप लगाया गया, जिसमें CGM गिरीश जी की अध्यक्षता में
कौमी लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर 2015 को किया जा रहा है, जिनमें अमृतसर, अजनाला तथा बाबा बकाला आदि में कौमी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंधी उन्होंने सबसे अपील की है कि सब कौमी लोक अदालत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों के केसों को हल भी किया जाएगा। आज इतने जो एसी स्टॉल लगाई है, यह नेशनल लोक अदालत जो 12-12, 12-12, 20-15 हो रही है, उस एवज विच लगाई है। जो ये नेशनल लोक अदालत है, ये साल दे विच एक बार ही लगती है। इस विच सारे माल दे केसिस, रेवन्यू यानी कि 138 दे क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसिस, जिन्हें लोगों के लड़ाई झगड़े होंगे ने उन्होंने व्याह संबंधी केसिस 498 138 NI एक्ट के सारे केसिस ले जाएंगे। मेरा लोगों को यही मैसेज है कि वह वो तो वो लोग अदालत में हिस्सा लैन, ता जो उन्होंने केसों का निपटारा आराम नाल हो सके। लोक अदालत का फायदा यह है कि लोक अदालत के जो केस लगते हैं उन्हें कोर्ट फीस नहीं लगती, जे कोर्ट फीस लगी होंगी है तो वह कोर्ट फीस वापस हो जाती है। इस तो अलावा लोक अदालत के जोड़े केस हैं उन्होंने कोई अपील नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो सरकार ने चालू की है, इस तहत जरूरी है कि जो पंजाब दे विच बल्कि अमृतसर दे विच लड़कियां दा अनुपात 873 रह गया है, उसनू वधाया जावे। जो अजकल लड़कियां नू लड़कियां दे बराबर ही पिता दी प्रॉपर्टी दे विच हक है, सैक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सैशन एक्ट, उस दे विच बड़ी पर्टिकुलर अमेंडमेंट हो चुकी है। इस बारे लोगों नू जागरूकता नहीं है। इत्थे स्टॉल लाउण दा पाइटेक्स मेले दे विच साडा इही पर्पज़ है कि लोगों नू बेटियां बारे, बेटियां दे हक्कां बारे, बेटियां नाल हो रही ना इंसाफी बारे जागरूक करिए। गुरदासपुर जिले में श्रोमणी अकाली दल के आला नेताओं ने बटाला शुगर मिल में सीजन की पहली शुरुआत का उद्घाटन किया। शुगर मिल के समूह अधिकारियों और अकाली नेता मिल चालू होने का जश्न मना रहे थे कि मिल में बायलर के हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये हादसा सरकारी मिलों की पोल खोलता है कि खस्ता हाल शुगर मिल मजदूरों की कब्रगाह रह जाएगा। इस हादसे की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। अब देखना यह है कि हादसे के शिकार मजदूर को कोई मुआवजा मिलता है या नहीं, क्योंकि मृतक एक प्राइवेट ठेकेदार द्वारा शुगर मिल में काम कर रहा था। बलदेव राज दे साडे पिंड किला दर्शन सिंह दे ने, ये 5-6 साल तो मिल विच सीजनवार जाते हैं काम करते हैं, और जो ये हादसा वापरिया आ किसी नूं भी पिंड दे बंदे नूं ना इन्हां दी फैमिली नूं इनफॉर्म किया गया, ना कोई दी कोई किसी किस्म की गल की गई, जिस वाले नहीं दिता गया, इनफॉर्म नहीं किया गया, ना घर वाले पता जी इसकी कोई कार्रवाई नहीं पाई गई, ना किसी पुलिस को फॉर्म किया गया भी हादसा वापरिया, डायरैक्ट ही इतने ले आया जाएगा। सानू सारे पिंड वाले पासियों और परिवार को पता लगे इतने ही आए हैं जी। जो इन्होंने फोन से बुलाया जाता सीजनवार ये परिवार को तो ना इस गल इनफॉर्म नहीं ना है कि डेली बेस से आ जा ठेकेदार से आ, वो तो मिल च करते हैं, और दूसरी गल इन कुछ ना मिलिया तो परिवार की खावेगा की नहीं खावेगा। मैं एक जिम्मेवार बंदा होता होया भी और पिंड के लोग भी इस गल संघर्ष भी करा, ये इंसाफ दवाने वास्ते जितों तक सानू महकमे महकमे भी अप्रोच करनी पवेगी, मुख्यमंत्री साहब तक भी जितों तक भी मुनासिब हो सकेगा असं ये संघर्ष भी करा जे कभी यदा कुछ ना बनिया। तो 6-7 साल हो गए काम पर जाए, तो जे ट्रेन गया तो उम करता है, जे ट्रेन गा हों तो उन्होंने मिल च सदना ही नहीं। सू किसी ने नहीं दसिया उम वाली जाती है, उन्हें कदम सू दसा तो ना इन्होंने कोई तौला की, ये सीधे इतने लाए हाँ ही सीधे इतने आ गए, जी मिल च जोरे आए उस वे चल गए आए, तो साढ़े ना कोई गलबात भी नहीं अजे की कौन आया ही मिल च, मिल चो प्रधान जोड़े आए। ये पहले तो ना ये बॉयलर नहीं फटिया है, बॉयलर तो जोड़े कंपोनेंट है एक वाल सीगा ब्लो डाउन वाल जी जी, तो जदों आप मिल चलाने की कोशिश की तो वो जरा बंदे की ड्यूटी सी वो खोल के वाल आ गया अपनी जगह से, तो ये दो तीन जोड़े अपने कॉन्टेक्चुअल जोड़े लेबर सी वो एक पासे खड़े से, तो उतों ही कोई ऊर्जा का वाल का वो खुल के जोड़े पासे बंदे खड़े से उस पास आया, तो एक जोड़ा बंदा सीगा वो सट लगी, तो उसे उन्होंने जो ना स्टीम स्टीम होने करके फिर बंदे चकिया दफा इतने सिविल हॉस्पिटल लाए, तो थोड़ा सट ज्यादा लगन करके बंदे भी थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने डेथ घोषित। पहले जदों सानू पता लग्या कि जो है ना हादसा हो गया, तो असं सबसे पहले इतने सिविल हॉस्पिटल ही आके कोशिश की कि बंदे जितने जल्दी बचाया जाए, जो उपचार दिता जाए, जो जिंदगी बचाई जा सके।
लेकिन असी जदों आए हुए हॉस्पिटल असी इतने भी फैमिली का इंतजार करते पे तो हाले तक कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की इस बारे से ये जी ना आप जो ना ठेकेदार राही जी साढ़े को लेबर की घाट है वो ठेकेदार राही रखे हैं तो ये जो इंप्लाई सगा ये ठेकेदार ठेकेदार ना है अपना दाखिले का सरपंच है सरदार रणदीप सिंह असी जो ना भरोसा अपनी सारा सलाह मसला किया है जो इंश्योरेंस है ठेकेदार राही जो भी बंदा है वह मिलेगा बाकी असी आपस से भी सलाह की है किसी वक्त बंदे की मदद करनी है जिसे कि उनका परिवार का कोई गुजारा हो सके बाकी उन्होंने कोई अगर कोई मैच्योर्ड बंदा होगा तो उन्होंने भी आप कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। पौने 11 बजे शुगर मिल चला का उद्घाटन होया शुगर मिल चला के अं गैसट हाउस च जो आए साढ़े मुख मेहमान उन्होंने चाह पानी पिया के उस तो बाद ऑक्सीजन चला की शुरुआत की जो असी बॉयलर चला रहे ही तो बॉयलर के वाटरमैन ने कहा भी बॉयलर का पानी हाई हो गया तो उन्होंने लो करने वास्ते बिलो ड्रो करने वास्ते कहा तो बंदा दूसरा मुलाजम लो कर रहा है ये लागे खड़े सन तीन आदमी जो उन्हें पानी का बिलो किया तो वाल की जी बाडी वो क्रैक हो गई वाल की बाडी क्रैक होना ही अगले पास ही ये जी क्रैक बाडी है वो ये बची है तो यह मिलता इंप्लाई ने ठेकेदार सिस्टम से रखा अपना यदा जो कंटैक्ट ही वो सरपंच रणधीर सिंह है दाखले का वह कंटैक्ट ही वह इंप्लाई आ उन्हें लेबर सप्लाई की मिलने तो अनट्रेंड करके हादसा वापरिया ये बंदे अनट्रेंड ने कंडक्ट बीते उन्होंने बोलर बारे कोई नॉलेज जिम्मेवारी आप कही है जी कि जिम्मेदारी है गुनाहगार कौन है गुनाहगार तो कोई नहीं गुनाहगार तो होना बाल एक बाडी है हाँ जी वो ठेकेदार जिन्हें लेबर सप्लाई की मिलने अनट्रेंड बंदे मिलने जो ठेकेदार ने इंश्योरेंस कराई हुई तो फिर इन्हें मुआवजा मिलेगा जे ठेकेदार इंश्योरेंस नहीं कराई तो फिर कोई मुआवजा मिलता चांस कोई नहीं। अमृतसर के लिबर्टी मार्केट में आग लगने से हड़कंप मच गया। अमृतसर की लिबर्टी मार्केट जिसमें अधिकतर मोबाइल की दुकानें हैं ये आग सुबह अचानक बेसमेंट की मोबाइल की दुकान में लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि इसमें करीब सारे मोबाइल शॉप्स को अपनी चपेट में ले लिया। वही सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारी लखबीर सिंह ने बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस अपने स्तर पर आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। लिबर्टी मार्केट हैगी है जी इतने थले दुकान दे विच आग लगी है कोई मोबाइल दी बैटरियां दी शॉप हैगी है उत्थे फायर ब्रिगेड आ गई है वो काम कर रहे हैं जी अंदरों जो धुआं है पहला उन्होंने कढ़िया जा रहा है देखते हैं जो उन्हों का प्रोसैस है उस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। पहली है सूँ बहरों ही पता लगा अंदर तो जाया नहीं जाता भाई 34 नंबर दुकान के मोबाइलों से बैटरिया का कोई उन्होंने कोई अग उग लगी आ इस तो अगे नहीं कोई पता लग रहा जी सन तो 9 बजे 10 बजे 9 बजे सुनिया मिलया भी 9:30 9:30 9:30 पता लगा। आज अमृतसर शहाता में भगवान महर्षि वाल्मीकि जी शक्ति सेना रजिस्टर्ड पंजाब प्रधान एडवोकेट अजय कुमार सीनियर मित्र प्रधान जसवंत सिंह वाइस प्रधान सुभाष कुमार जनरल सकत्तर प्रेम सागर सकत्तर राजकुमार रतन सहौता जिला प्रधान लक्की नरेंद्र गुमानपुरा अंग्रेज सिंह रशपाल सिंह दलजीत सिंह आदि द्वारा भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। मेरा नाम एडवोकेट अजय कुमार पंजाब प्रधान भगवान वाल्मीकि शक्ति सेना अज का जो ये प्रोग्राम किया गया है ये ब्लॉक छाटा वालों भगवान वाल्मीकि महाराज के प्रगट दिवस में समर्पित एक सत्संग समागम का आयोजन किया गया सी और ये जो आयोजन किया गया जो छाटा की टीम है भगवान वाल्मीकि शक्ति सेना की उन्होंने वालों किया गया और इस मौके पर असी मैं अपने वालों अपनी समूह जथेबंदी वालों सारे भाईचारे वाल्मीकि भाईचारे भगवान वाल्मीकि महाराज के प्रगट दिवस की लख लख वधाई दिना और नाल दी नाल एक संदेश कि जो भी परम पिता परमात्मा अपनी पावन कलम के नाल अपने ग्रंथ रामायण के साडे वास्ते लिख के गए ने असीं उन्हां दा अनुसरण करिए उन्हां दी पालना करिए और अपने धर्म के पक्के रह के चलिए। मेरा नाम सुभाष भगवान वाल्मीकि शक्ति सेना का वाइस प्रेजिडेंट पंजाब का मैं अज छाटा विखे भगवान वाल्मीकि शक्ति सेना वालों प्रगट दिवस का प्रोग्राम जिहड़ा सी मनाया गया जिस विच उचेचे तौर पर एडवोकेट अजय कुमार जी जो पंजाब के प्रेजिडेंट ने वो पहुंचे और इस प्रोग्राम नूं अच्छे तरीके नाल उन्होंने मैनेज किया। इस मौके पर मैं सारी कौम नूं अपनी नूं लख लख वधाई दिंदा महाराज जी दे प्रगट दिवस ते और नाल बहुत धन्यवाद। अमृतसर बार एसोसिएशन के होने वाले चुनाव में 28 प्रत्याशियों की किस्मत का निर्णय 1167 वकील मतदान ने किया। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से करवाने के लिए 2 ब्लॉक बनाए गए हैं ताकि भीड़ पर नियंत्रण रखा जा सके। प्रधान पर और
अन्य पदों पर खड़े प्रत्याशियों ने वकीलों के हक में मत डालने का आग्रह किया। वहीं मैसेज मोबाइल फोन के जरिए भी वकीलों को वोट डालने के लिए आग्रह किया गया। प्रधान पद के लिए एडवोकेट वासुदेव बहल एडवोकेट प्रदीप सैनी के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना थी, लेकिन प्रदीप सैनी ने एडवोकेट वासुदेव बहल को 672 से ज्यादा वोटों से हरा कर प्रधान की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। सब तो पहले तो मैं अमृतसर बार एसोसिएशन के हर मेंबर दी दिनों थैंक्स करा कि जेड़ा ये कमबैक छ होया आज मेंबर्स ने ये साबित कर दिता कि पिछले 1.5 साल तो इस एसोसिएशन की कोई डेवलपमेंट नहीं सी हुई और मेरा मुख्य एजेंडा है कि एसोसिएशन की डेवलपमेंट होगी। लॉयर्स की डिग्निटी जी खो चुकी है उन्होंने वापस लिया जाएगा और यंग लॉयर्स वास्ते मैक्सिमम काम किया जाएगा। मैं लखविंदर सिंह जो अज साडे अमृतसर बार कौंसल दे इलेक्शनां तो बाद प्रदीप सैनी जी की जित नूं असीं बहुत बहुत वधाई देना चाहते हैं। सैनी साहब नूं साडे वल्लों कम्युनिस्ट पार्टी वल्लों ते सारे वकील भरावां वल्लों बहुत बहुत शुभकामनावां। वो शख्सियत ने जिन्हां ने अमृतसर बार एसोसीएशन लई बहुत कुर्बानियां दित्तियां ने, उन्होंने जो जो किया अज तक वो सारा सब कुछ किया। कोई भी साडे अमृतसर बार एसोसीएशन का मैंबर नहीं है जिहड़ा उन्हां तों इहो कारण है कि 672 वोटां तो आज सैनी साहब दी जीत हुई है। पंजाब के कई क्षेत्रों में कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने लोगों के घर बर्बाद कर दिए हैं और इस बीमारी का इलाज भी महंगा होने के कारण लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसी संबंधी गुरदासपुर के साथ पड़ते दीनानगर में 15 वर्षों से कैंसर के प्रति जागरूक करने का काम कर रही रोको कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा पंजाब के रिटायर्ड अतिरिक्त निदेशक अशोक चौधरी के संचालन में कैंसर और अनेक बीमारियों से संबंधित कैंप लगाया गया, जिसका उद्घाटन विधायक अरुण चौधरी के द्वारा किया गया। इस कैंप में माहिर डॉक्टर्स द्वारा 300 के करीब मरीजों का फ्री चेकअप किया गया और उन्हें मुफ्त दवाइयां भी दी गई। हल्के दे विच कैंसर अवेयरनेस कैंप लगाया, एक NGO रिक्वेस्ट की थी कि ज़्यादातर अर्बन एरिया चो काम उन्होंने किया है, लेकिन असं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि साढ़े बॉर्डर बेल्ट के जिथे कि ज़्यादा जरूरत है इन चीज़ों की, कैंसर जी बड़ी जानलेवा बीमारी है, ये बारे लोगों में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आम तौर पर पता उदों लगता जो कि लास्ट स्टेज होंगी है कैंसर की। सो असी उन्होंने रिक्वेस्ट करके इतने बुलाया, अज ये आए ने इतने, ये NRI स्पॉन्सर्ड NGO है और इन्होंने इतने अच्छ कैंप लगया और लोगों के फ्री च ब्लड टेस्ट मैमोग्राफी ब्लड प्रैशर बाकी जड़िया होर भी टेस्ट ने वो कर रहे हैं। सो मैं चाहनी हाँ कि अपने इलाके के लोगों को जी हैल्थ है वो बहुत जरूरी है, हैल्थ एट द डोर स्टैप, उन्होंने अपने घर के ही अगर यह सहूलत मिले तो बहुत चंगी गल। असी कही जे एक दो जाना भी असं बचा सके तो समझो कि बहुत वही उपलब्धि होएगी। सो अगर ये कैंप का लोगों को ठीक लग्या रिस्पोंस ठीक लग्या तो यह जे होर भी अपने इलाके दे विच मैं कैंप लगाने की इच्छा रखती हूँ। रविपाल सिंह, डॉक्टर रविपाल सिंह, आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ पे कैंप हमारे रोको कैंसर जो कि 15 साल से यहाँ पे इंग्लैंड तो रनिंग कर रहे हैं साढ़े मिस्टर अजिंदर पाल सिंह जी, एंड हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे हम रोको को और ऊपर लेके जाएं। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रीब्यूशन आर मिस्टर APS जी चावला हु इज वर्किंग फ्रॉम लास्ट 10 years 10 to 15 years विदाउट हीजलेस एफर्ट्स एंड उनकी मेहरबानी से आज हम यहाँ पे बैठे हुए। अभी तक जो हमारे पंजाब में जितने भी बॉर्डर एरिया वी हैव ऑलरेडी कवर देम जितने भी हमारे पंजाब में है, एंड मोर ओवर हम अब अगले हमारी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अगली जो हमारा 2-3 महीने तक कैंप लगने वाला है JNK वाली साइड पे है, जितनी भी जल्दी हो सके हम पेशेंट को कहते हैं कि रूरल एरिया में जो स्लम्प एरिया है वहाँ पे इन चीज़ों के एक्सपोजर ज़्यादा चांसेस, बिकॉज ऑफ दी आपको पता है ये जो हमारी मालवल बेल्ट है इसमें ज़्यादा कैंसर के चांसेज ज़्यादा है, एंड पंजाब इज वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हो कि कैंसर की ओरिजिन है। जो जैसे जितने भी हम पेशेंट्स कर लेते हैं डायग्नोस, आफ्टर दैट जब पेशेंट डायग्नोस हो जाते हैं इन केस वी फाइंड वन ऑफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मैलिग्नेंसी। बॉलीवुड के अन्ना भाई उर्फ सुनील शेट्टी आज सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन करने के बाद उन्होंने बताया कि जब भी
मन करता है तब भी वे दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। कभी साल में एक बार तो कभी साल में दो बार। इस अवसर पर सुनील शेट्टी ने कहा कि उनकी पत्नी और बच्चे अक्सर सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए आते रहते हैं। उनके मुताबिक यहां आकर उन्हें आत्मिक शांति का एहसास हुआ है। उन्होंने कहा कि सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब आस्था का केंद्र है और वह यहां पर वाहेगुरु का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। मैं हर साल कोशिश करता हूं आके माता टेक के जाने का, दर्शन लेने का। एक अजीब सी एनर्जी और एक अजीब सा पावर आ जाता है यहाँ आने से, और शायद ही कोई जगह है जो इससे पावरफुल हो। मन को शांति और जैसे कि मैंने कहा है, कमाल की फीलिंग। हर साल कोशिश तो मेरी यही है, ये चौथा साल है मेरा। कभी कभार साल में दो बार भी हो जाता है, और कोशिश यही करता हूँ कि दो बार ही आ जाऊँ। अभी इस साल मेरे ये मेरा दूसरा बार है, और आई थिंक साल के एंड के पहले ही दूसरा है, तो अगले साल ज़रूर वापस आऊँगा। पर्सनल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरी काफ़ी फिल्में हैं जो इस साल आने वाले, और मेरी अपनी बेटी भी आई हुई है इंडस्ट्री में, तो उसकी भी फिल्में आएंगी। तो आई थिंक बॉलीवुड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी फिल्में बन रही है, काफ़ी फिल्में चल रही है, लेकिन साथ साथ लोग अगर ध्यान दे रहे हैं तो इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि सब्जेक्ट्स अच्छा हो और डायरेक्टर्स अच्छे हों। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया लोगों से धोखा, कहा उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने। पायटेक्स हिंदुस्तान पाकिस्तान ट्रेड मेला दोनों देशों की सीमावर्ती इलाकों के लिए बेहतर, कहा मदन मोहन मित्तल ने। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी हुए सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।